हेलो एवरीवन, माय सेल्फ शुभ्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल वाईटी प्रभा। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टर्न। लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या देखे, कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन एंड एंगल। तो हमारा डायरेक्शन कौन कौन सा मेन डायरेक्शन है, तो हमारा मेन डायरेक्शन नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। ये होता है, टॉप पे हमेशा नॉर्थ होता है, बॉटम हमेशा साउथ होता है। इधर हॉरिजॉन्टल राइट में ईस्ट एंड अपोजिट वेस्ट। यहाँ तक तो क्लियर था। फिर चार सब डायरेक्शंस भी होते हैं, ये चार सब डायरेक्शंस है जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, वो क्या है, नॉर्थ ईस्ट। जो साउथ और ईस्ट के बीच में है वो है साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में वो है साउथ वेस्ट। एंड जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में वो है नॉर्थ वेस्ट। टिल हेयर एम आई क्लियर टू यू ऑल? क्योंकि ये पता होना ही चाहिए सबको कि हमारा डायरेक्शंस क्या क्या है। तो हमारा मेन डायरेक्शंस है न्यूज, ये एक वे था जिससे आप याद रख सकते हो। और चार सब डायरेक्शंस, वो क्या क्या है, तो साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। क्लियर? फिर हम लोग देखे थे कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल। कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल क्या था कि जो भी मेन डायरेक्शन है, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव मेन डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट जैसे है, इसके बीच में हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री, राइट। फिर ईस्ट और साउथ, ये जो मेन डायरेक्शन है कॉन्जिक्यूटिव एडजेसेंट, यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री। फिर साउथ और वेस्ट, इसके भी बीच में हो जाएगा 90 डिग्री। एंड नॉर्थ एंड वेस्ट, इसके भी बीच में हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ तक तो क्लियर है सबको। और एक कंप्लीट एंगल क्या होता है, 360 डिग्री। उसके बाद जो मेन डायरेक्शन है और एडजेसेंट सब डायरेक्शन है, उसके बीच में हमेशा कितना होता है, 45 डिग्री, राइट। यहाँ तक क्लियर था सबको। उसके बाद क्या था कि जो भी सब डायरेक्शंस है एडजेसेंट, उनके बीच में क्या होता है, 90 डिग्री। ये भी क्लियर है सबको। ये जो सब डायरेक्शन है, इसके भी बीच में क्या फॉर्म होगा, 90 डिग्री। बस इतना क्लियर है सबको। तो ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल, कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन। आज हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टर्न। तो कॉन्सेप्ट ऑफ टर्न क्या होता है, रोटेशन हम लोग देखे थे कि दो टाइप का होता है, राइट, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्लियर हो गया था। तो जो टर्न है, क्वेश्चन में कभी कभी क्या जिक्र करेगा, राइट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, फिर से राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट, कुछ भी, तो राइट और लेफ्ट का यूज करेगा, दैट इज टर्न्स, राइट एंड लेफ्ट, सॉरी। एंड लेफ्ट इस दो टर्न्स का यूज करेगा। तो राइट टर्न क्या होगा और लेफ्ट टर्न क्या होगा, ये तो सबको क्लियर होना चाहिए, बट फिर भी मैं बता दूं, लेफ्ट टर्न हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा और राइट टर्न हमेशा क्लॉकवाइज। सी, अगर ये क्लॉक है और ऐसे जब हम लोग टर्न करते तो ये होता है क्लॉकवाइज, दैट मीन्स हम लोग राइट टर्न कर रहे हैं, राइट मुड़ रहे हैं, क्योंकि जो हमारा राइट होगा वही हमारे पेपर का भी राइट होगा। तो अगर ये क्लॉक है और ये ऐसे मूव करता है तो ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज क्या है, राइट टर्न। और जब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है तो ये क्या हो गया, लेफ्ट। क्लियर? तो बस यही होता है राइट एंड लेफ्ट, क्वेश्चन में यही यूज करेगा जी। आप नोट करो,
यहां तक क्लियर है सबको? और अगर इसको हम लोग मैप पे देखें कि हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो हम लोग पता, हम लोग क्लॉकवाइज जाते हैं तो ऐसा होता है मूवमेंट, और एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो ऐसा होता है। इस तरह से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। तो इसमें राइट और लेफ्ट भी पता करना, तो अगर हम लोग क्लॉकवाइज ऐसे जा रहे हैं ऐसे, तो ये हो जाएगा हमारा राइट टर्न्स, और जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ऐसे आते हैं तो ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट टर्न। क्लियर? बेसिकली यही होता है बस, राइट और लेफ्ट। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पर। क्वेश्चन इज Here's the question. तो क्वेश्चन क्या है? रमन वॉक 2 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम हिज ऑफिस एंड टर्न देन टर्न साउथ कवरिंग 4 किलोमीटर्स, अगेन ही टर्न ईस्ट। इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया ई, ईस्ट एंड कवर्ड 3 किलोमीटर्स, फाइनली ही टर्न अगेन टूवर्ड्स वेस्ट एंड कवर्ड 1 किलोमीटर। हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज ऑफिस इनिशियल पॉइंट, एंड इनिशियल पॉइंट वॉज ऑफिस, राइट? ये तो हम लोग को पता है। तो अब सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे पहले एक मैप बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला लाइन पढ़ेंगे क्या, रमन वॉक 2 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम हिज ऑफिस। सपोज ये ऑफिस है और यहाँ से 2 किलोमीटर वेस्ट मूव किया। वेस्ट कहाँ है? इधर, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट मैप इसलिए ड्रॉ करते ताकि हम लोग को डायरेक्शन पता चलते रहे। क्लियर? तो यहां से 2 किलोमीटर वेस्ट गया, नाउ ही इज हियर। उसके बाद क्या हुआ, वो साउथ टर्न किया और 4 किलोमीटर कवर किया। साउथ हम लोग को पता है इधर, यहाँ वेस्ट से इस साइड, तो यहाँ टर्न किया 4 किलोमीटर साउथ में। ठीक है, उसके बाद कवर किया 3 किलोमीटर ईस्ट के साइड, तो ईस्ट किधर है? इधर। तो अब इधर से ये ईस्ट गया, 3 किलोमीटर कवर किया। फाइनली ही टर्न टूवर्ड्स वेस्ट, अगेन ये वेस्ट मूव किया और कवर किया 1 किलोमीटर। तो यहां से ये वापस 1 किलोमीटर बैक हुआ। ठीक है, तो अब इसके इनिशियल पॉइंट से कितना फार है? तो सबसे पहले ये अगर 3 किलोमीटर है और ये 2 किलोमीटर है, तो यहाँ जितना 2 किलोमीटर, इधर भी 2 किलोमीटर उतना ही हो, क्योंकि ये वापस 1 किलोमीटर इसमें माइनस हो गया। सपोज ये 3 किलोमीटर गया,
ठीक है, 3 किलोमीटर गया था, वापस से वेस्ट में 1 किलोमीटर आ गया, ये 1 किलोमीटर वापस आ गया, तो वापस कितना यहाँ पे डिस्टेंस बच गया, 2 किलोमीटर, ये टोटल 3 किलोमीटर था, या वापस 1 किलोमीटर बैक हो गया, तो ये इक्वल हो गया इसके डिस्टेंस के लिए, ठीक है, 2 किलोमीटर इधर भी, 2 किलोमीटर इधर भी। तो अब हम यहाँ देखेंगे, इसके बीच में भी 4 किलोमीटर होगा। ये हम लोग को पता चल गया कि जब हम लोग पहले 2 किलोमीटर वेस्ट आए थे, फिर साउथ 4 किलोमीटर आए, फिर ईस्ट गए 3 किलोमीटर्स, बट वापस ये बैक आ गया 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर जिस जब भी बैक आया, तो 3 माइनस 1 यानी कि 2 किलोमीटर्स बच गया, इधर का डिस्टेंस 2 ही किलोमीटर ट्रैवल किया, तो ये 2 किलोमीटर हो गया, ठीक है। और आप पूछा था हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट कहाँ था उसका, ये ऑफिस, तो दैट मीन्स इधर इतना इक्वल है, इसको हम लोग पॉइंट देते ए बी सी डी ई, क्लियर। तो इधर जितना डिस्टेंस है, इधर भी उतना ही डिस्टेंस है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस ये है 1 किलोमीटर, इधर भी जितना डिस्टेंस है यानी कि इनिशियल पॉइंट यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देख रहे हैं हम लोग, तो इधर हो गया ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, दैट मीन्स जितना बी सी में ट्रैवल किया उतना ही ए डी भी ट्रैवल किया, यानी कि ये भी हो गया 4 किलोमीटर, तो कितना ये दूर हो गया अपने इनिशियल पॉइंट से, 4 किलोमीटर, दिस विल बी द आंसर, क्लियर है सबको। मैं एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ क्या हुआ, सबसे पहला लाइन था रमन वॉक 2 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम हिज ऑफिस, ऑफिस का पॉइंट कुछ भी था, अगर मान लेते ये है इधर से ये कितना 2 किलोमीटर ट्रैवल किया वेस्ट, हम लोग डायरेक्शन मैप का डायरेक्शन इसलिए बनाते हैं, सॉरी डायरेक्शन का मैप इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम लोग को पता चले हमारे डायरेक्शन, ठीक है। तो वेस्ट गया 2 किलोमीटर सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट कर लिए, फिर उसके बाद टर्न किया साउथ और 4 किलोमीटर कवर किया, तो अभी साउथ टर्न किया और ये 4 किलोमीटर कवर किया, उसके बाद फिर से टर्न किया ईस्ट और कवर किया 3 किलोमीटर, तो ईस्ट टर्न किया और कवर किया कितना 3 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या है फाइनली, अब वो क्या किया एक और टर्न लिया वेस्ट में और 1 किलोमीटर चला, तो अगर ये पूरा 3 किलोमीटर था और ये 1 किलोमीटर बैक हो गया, तो कितना डायरेक्शन ये ट्रैवल किया 2 किलोमीटर्स, ठीक है। तो अब हम लोग को निकालना था इनिशियल पॉइंट उसके, वो कितना दूर है अब इनिशियल पॉइंट से उसका डिस्टेंस, तो यहाँ क्लियर है ना, जितना ये 2 किलोमीटर था उतना यहाँ भी 2 किलोमीटर, और इधर जितना 4 किलोमीटर था, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाले हम लोग इनिशियल पॉइंट से, ये भी हो गया 4 किलोमीटर, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी, क्लियर है सबको, तो आप नोट कर लो। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ए ईस्ट के तरफ फेस करके खड़ा है, अब वो एंटी क्लॉक वाइज, ए सी डब्ल्यू इज एंटी क्लॉक वाइज, क्लियर है। तो एंटी क्लॉक वाइज 45 डिग्री रोटेट करता है, फिर से नाइन्टी डिग्री राइट टर्न करता है, तो अब ए किस डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है, तो ये क्वेश्चन हम लोगों को क्या निकालना है, ए का, ए के फेस का डायरेक्शन क्या है। तो सबसे पहला लाइन है ए ईस्ट के तरफ फेस करके खड़ा है, एंड दैट मीन सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक मैप बनाएंगे, हमारा सबसे पहला स्टेप हमेशा ये रहेगा, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये तो हम लोग कर लिए। तो अब क्या क्वेश्चन,
किस तरफ फेस करके खड़ा? ईस्ट की तरफ। सबसे पहले ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा। ईस्ट किधर? इधर। तो हमने ईस्ट की तरफ इसका फेस कर दिया। एंड एरो डिनोट करता है उसका फेस किस तरफ। क्लियर? फिर अब वो एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री रोटेट करता है। तो 45 डिग्री यहाँ पे वो फेस कर रहा है, और हमें वो पता है कि एक एडजेसेंट सब डायरेक्शन और मेन डायरेक्शन के बीच में 45 डिग्री होता है। तो अगर वो ईस्ट में है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो कुछ इस तरह से करेगा। तो 45 डिग्री इधर रोटेट किया वो, ठीक है? तो अब उसका फेस ऐसे हो गया, राइट, 45 डिग्री रोटेट करने पर। उसके बाद वो फिर से 90 डिग्री राइट टर्न करता है। अब यहाँ टर्न आ गया, मतलब मिक्स है दोनों डायरेक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल, डायरेक्शन एंड टर्न, तीनों मिक्स है। तो अब क्या है, 90 डिग्री राइट टर्न करता है। तो यहाँ है वो, और मैंने क्या बताया था कि हमेशा जिस तरह से दो मेन डायरेक्शंस, कॉन्जिक्यूटिव मेन डायरेक्शंस के बीच में 90 डिग्री होता है, सेम एग्जैक्टली दो सब डायरेक्शंस जो एडजेसेंट सब डायरेक्शंस होते हैं उनके बीच में 90 डिग्री होता है, राइट? तो जब यहाँ एक सब डायरेक्शंस पे है वो, उसका डायरेक्शन अभी फेस का, तो जब वो 90 डिग्री रोटेट करेगा तो वो अपने एडजेसेंट सब डायरेक्शन पे आ जाएगा, क्योंकि वो अभी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया था। दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज यानी कि लेफ्ट, और अब वो राइट टर्न कर रहा, राइट टर्न यानी कि क्लॉकवाइज। ये सब सबको क्लियर होना चाहिए, बेसिक है। तो अब यहां था वो, और अब वो 90 डिग्री रोटेट किया तो वो अपने इस डायरेक्शन पे आ गया। दैट मीन्स कौन सा डायरेक्शन? यहाँ ईस्ट था। वो 45 डिग्री लेफ्ट टर्न की रोटेट किया था तो वो कहाँ आ गया था? नॉर्थ ईस्ट पे। और अब वहां से वो 90 डिग्री राइट टर्न किया तो अब आ गया साउथ ईस्ट पे, क्योंकि ये वाला हमारा जो एंगल डायरेक्शन है वो क्या है? साउथ। क्लियर है सबको? आप नोट कर लो। तो क्लियर है सबको? मैं एक बार और बता देती हूँ क्या हुआ। सबसे पहला लाइन क्या कह रहा था कि ए कोई कोई भी आदमी है, वो ए है, वो ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा है। तो हमारा ईस्ट किधर शो करता है डायरेक्शन में? वहां पे उस साइड डायरेक्शन पे, इधर ईस्ट के तरफ वो खड़ा है, ठीक है? मान लेते हैं ए अभी ईस्ट पे खड़ा है। उसके बाद वो एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री रोटेट करता है। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि लेफ्ट। तो एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री रोटेट किया। तो मैंने कहा था हमेशा एक मेन डायरेक्शन और एडजेसेंट सब डायरेक्शन के बीच में 45 डिग्री होता है, और वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज गया तो यहाँ आ गया 45 डिग्री रोटेट करके। दैट मीन्स ये कौन सा डायरेक्शन है? तो ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच का डायरेक्शन है, तो ये क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट। क्लियर? अब क्वेश्चन कह रहा है कि वो फिर से 90 डिग्री राइट टर्न करता है। एक चीज तो क्लियर करना ही करना है कि एंटी क्लॉकवाइज यानी कि लेफ्ट एंड क्लॉकवाइज यानी कि राइट। जब भी राइट टर्न का बात होगा यानी कि क्लॉकवाइज टर्न करना, और जब भी लेफ्ट टर्न का बात होगा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना। तो अभी एंटी क्लॉकवाइज टर्न किया था, बट अब 90 डिग्री राइट टर्न किया, दैट मीन्स क्लॉकवाइज। और हमेशा जिस तरह से दो मेन एडजेसेंट सब सॉरी दो मेन डायरेक्शंस के बीच में, कंसेक्यूटिव डायरेक्शंस के बीच में 90 डिग्री होता है, सिमिलरली दो एडजेसेंट सब डायरेक्शंस के भी बीच में 90 डिग्री होता है। तो ये सब डायरेक्शन था, और अब वो यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया, यानी राइट रोटेट किया 90 डिग्री। तो अब अपने दूसरे सब डायरेक्शन पे आ गया जो क्या था? साउथ और ईस्ट के बीच का था। ईस्ट यहाँ था, ये साउथ है, तो दोनों के बीच का क्या हो गया? साउथ ईस्ट। नाउ ही इज फेसिंग साउथ ईस्ट। तो अब उसका फेस किस डायरेक्शन में है? साउथ ईस्ट में। क्लियर है सबको? आप नोट कर लो। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हुआ तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। Thank you.